आपका खैर मकदम है। 4 TV न्यूज में मैं हूं शकील बागमारे। सरकारी चावल की कालाबाजारी, 3 लारियों समेत लाखों की कीमत के चावल हुए जब्त। बीजापुर जिलाधिकारी ने एक प्रेस नोट के जरिए मीडिया को बताया है कि 26 अगस्त को उन्हें मिली गैर कानूनी तौर पर ले जा रहे राशन चावल की जानकारी के अनुसार फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने एक टीम बनाकर जमखंडी नाके के पास इन 3 लारियों को जब्त किया गया है, जिसमें गुजरात से गाड़ी नंबर GJ12BX9736 और महाराष्ट्र से MH45AF5271 और राजस्थान की RJ19GB9177 इन तीनों गाड़ियों की जब तलाशी ली गई तो इनमें सरकार की ओर से गरीब परिवारों को राशन की दुकानों में दिए जाने वाले तकरीबन 11,60,000 रुपए कीमत के 580 क्विंटल चावल बरामद होते हैं। और गांधी चौक पुलिस थाने के CPI रविंद्र नायकोड़ी, PSI शर्णगौड़ा पाटिल और इनकी टीम वहां पहुंचकर इन तीनों लारियों की अनाज की बोरियों को जब्त कर लिया है। ये लौरियां महालिंगपुर से गुजरात जा रही थी। इनके पास इन चावल से जुड़े नकली कागजात भी बरामद किए गए हैं। तीनों लारियों के ड्राइवर और क्लीनर पर 1955 कानून की धारा 3/7 के तहत बीजापुर के गांधी चौक पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि बीजापुर जिले में गैर कानूनी राशन के चावल का कालाबाजार जोरों पर है। पुलिस विभाग को जिले में होने वाले कालाबाजारी की और भी ध्यान देने की जरूरत है। मुद्देबिहार MLA AS पाटिल नडली, जो फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन निगम मंडली के अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिले में गैर कानूनी राशन का कालाबाजार खुलेआम हो रहा है और जब पुलिस इन गाड़ियों को पकड़ती है तो ड्राइवर और क्लीनर पर ही कार्रवाई की जाती है, जबकि इसके पीछे कौन किंग पिन है उसे छोड़ दिया जाता है। मगर अब ऐसा नहीं होगा, मेरे अधिकार में, कहा MLA AS पाटिल नडली ने। अब देखना है कि नडली की कही हुई बात कहां तक सही साबित होती है और इन राशन चावल के माफिया पर इसका क्या असर होता है और क्या पुलिस विभाग कोई ठोस कदम उठाता है, देखते हैं।